बस कंडक्टर कहानी कहानीकार है दिलीप कौर टिवाणा। ठीक है, आप पढ़िया सीगा कि एक मनोविज्ञानिक कहानी है। ठीक है, मतलब उसके मन में जो चल रहा होता है, बस कंडक्टर दे जीत है उसका नाम, उसके बारे दसिया होया है कि वो पाली जिहड़ी लेडी डॉक्टर होंदी है उसनू अपना ही भैन समझता है। ठीक है ना, कि उसकी मरी हुई भैन की उसनू याद आती है, उसनू देख के सो हर तरीके दे नाल उसकी मदद करता है। ठीक है, ते तुहानू एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए सन, सात करवाया ना, बस कंडक्टर का सुभाव कहो जिहा है। ठीक है, तुहानू स्टोरी प्रॉपर पता होनी चाहिए है, क्वेश्चन चाहे जितों मर्जी आ जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितों मर्जी आ सकता है, बस एक तुहानू स्टोरी तुहानू प्रॉपरली पता होनी चाहिए है। ठीक है, देन नेक्स्ट इहदे बैक एक्सरसाइज ते क्वेश्चन आंसर फर्स्टली आपां इहनू डिस्कस कर लैंदे आ, फिर वन वर्ड कर लैंदे आ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो सार ही है, तुसी अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, सार कौन दसेगा मैनू इहदा कि बस कंडक्टर कहानी विच कहा की गया है, या तुहानू एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बस कंडक्टर कहानी किहो जिही कहानी है या इसका अंत किहो जिहा है। ठीक है, ये आई थिंक तुसी हले तक डिस्कस नहीं किया, सो ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच लिख सकते हो कि बस कंडक्टर कहानी का अंत किहो जिहा है। सो किहो जिहा अंत है, सुखांतक है, दुखांतक है, किदां दा अंत है इहदा, एनी वन। अंत किस तरह का है, या ये किहो जिही कहानी है Yes, पनिका। मैम, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है अते इसका अंत सुखांतक है। सुखांतक तो खैर दुखांतक भी नहीं हैगा, सुखांतक भी नहीं हैगा। ठीक है, ओके, मनोविज्ञानिक कहानी है ये, ओके गुड। हाँ जी रमनी, मनोविज्ञानिक कहानी है जिसका अंत भावात्मक है। हाँ भावात्मक, गुड, भावात्मक लिख सकते हैं आपका पनिका। ठीक है, सो मनोवैज्ञानिक कहानी है, अंत किस तरह का, भावात्मक। ठीक है, तुसी सिर्फ इन्ने थोड़ी लिखोगे कि ये मनोविज्ञानिक कहानी है तो यदा अंत भावात्मक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करोगे ना कि मनोविज्ञानिक कहानी है, इस विच जीत दे मन विच पाली नूं देख के जो विचार पैदा होंदे हन उस बारे दस्या होया है कि किस तरह उहदी भैण दी मौत हो गई सी 1947 दे दंगियां दे विच, ते ओह जीत पाली नूं देख के अपनी भैण नूं याद करदा है। फिर अंत उहदा दसना कि इहदा अंत जिहड़ा है ओह भावात्मक है, कि जिस तरह उहनूं दसदा ना कि मेरी भैण दी इदां मौत हो गई सी, ते फिर ओह काफी ज्यादा भावुक हो जांदा है एंड विच। ठीक है, ओके, बस विच एक सवार सरदार पाली बारे की आखदा है, ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ने। बस विच एक सवार दिया, बस विच सवार एक सरदार ने कहा कि औरतां चाहे किन्ना भी पैसा कमा लैन, मर्दां दे अग्गे ओह अक्खां नहीं चुकदियां। ओह पाली दी सिफत करदा होया कहिंदा है कि उसने पाली नूं कदे वी उच्ची बोलदिया होए नहीं वेख्या। ओह बहुत बार पटियाला जांदा वेखदा है, पर उसने कदे किसी नाल उच्ची आवाज विच गल भी नहीं कीती। ठीक है, अर्शप्रीत। यस मैम, बस कंडक्टर बस विच सवार एक सरदार पाली दी प्रशंसा करता होया कहिंदा है कि ओ कई बारी पटियाले गया है अते इस डॉक्टर ने कुड़ी नू कदे भी ज्यादा बोलदे नहीं सुनिया, ये किसी चंगे घराने दी कुड़ी जापदी है। ठीक है, गुड। ठीक है, जदों पाली बस विच चढ़न लगती है तो उहदे विच एक सवार बैठा, एक सवारी बैठी हुंदी है, ते ओह कहिंदी है कि मतलब ओह जदों पटियाले जांदा रहिंदा है ते इहनूं मैं कदी वी बोलदे नहीं देखिया, इहदे मूंह विच उहदी कोई लफ्ज़ नहीं निकलदा, ते बहुत ज्यादा सियाणी कुड़ी है। नेक्स्ट है, बस कंडक्टर ने टिकट देन लग्या पाली अते बुढ़ी माई नाल किहो जिहा वर्ताव कीता। रमनीक,
यस मैम, बस कंडक्टर दा वर्ताओ पाली प्रति हमदर्दी वाला पर बुढ़ी माई प्रति रुखा सी। बस किराए लई खुले पैसे ना होण कारण कंडक्टर ने पाली नूं तां किराया अगले दिन देण दी मोहलत दे दित्ती, पर एक बुढ़ी माई नाल रुखा वर्ताओ किया। उसने बुढ़ी माई नूं बस विचों हेठा उतार के पैसा बना के लियाउण लई कहा। उसने बुढ़ी द्वारा तल्ले करन उत्ते ही उसनूं बैठन दित्ता। ठीक है दिया। पाली नूं जदों कंडक्टर जीत ने टिकट फड़ाए तां पाली दे ने अगों 10 रुपए दा नोट दित्ता, पर जीत कोल खुले पैसे नहीं सन ते उसनूं ते उसने प्यार नाल पाली नूं आख्या कि ओह बाद विच दे सकदी है। पर जदों बुढ़ी माई ने उसनूं 10 रुपए दा नोट दित्ता तां ओह बहुत रुखा होके बोलिया, उसनूं टुट के पया कि साढ़े 10 आने पारा ते 10 दा नोट कट के ओह उसनूं किवें फड़ा सकती है। ठीक है ओके। तो ओ जो बस कंडक्टर ने टिकट देने गया पाली ते बुढ़ी माई दे नाल किदां दा वर्ताव कीता? बुढ़ी माई दे नाल उहने रुखा, ठीक है, ओ रुखा बोलिया। पाली दे नाल ओह बड़ी निम्रता दे नाल पेश आया। जदों पाली उहनूं पैसे दिंदी है ते ओह कहिंदा है कि मेरे कोल खुले पैसे है नहीं माई, मैनूं खुले दे। ओह कहिंदी है कि मैं तैनूं बाद विच दिंदी हां, ना हुण ही दे, ठीक है। ते जद कि पाली उहनूं 10 रुपया दा नोट फड़ांदी है तो उहनूं कहिंदा कि कोई गल नहीं, तू खुले पैसे फिलहाल ने आ दे, ठीक है, तू मैनूं फेर कदी दे दी। नैक्सट, बस कंडक्टर बारे पाली दे मन विच किहो जिहे विचार आ रहे सन? रमनी। यस मैम, पाली नूं शुरू विच तां बस कंडक्टर जीत दा हमदर्दी भरपूर वर्ताओ वधिया लगा, पर जदों जीत ने पाली तों किराया ना लिया उस लई परी बस विच बैठण लई सीट रखी अते उसदे उडीक विच बस नूं रोकी रखिया, तां जीत दा अजिहा वर्ताओ पाली नूं चंगा ना लग्या क्योंकि ओह बिना टिकट लई सफर नहीं करना चाहुंदी सी अते उसनूं डर सी कि बाकी सवारियां की सोचदियां होणगियां। जदों पाली नूं पता लगा कि जीत उसदी टिकट दे पैसे अपनी जेब विचों भर रहा है तां पाली नूं हैरानी होई कि 60 रुपए दी तनखाह नाल गुजारा करन वाला उसदी टिकट दे पैसे किवें दिंदा होवेगा। गुड। आशप्रीत। यस मैम, पाली शुरू विच ते बस कंडक्टर नूं चंगा समझदी सी, पर जदों इक दिन उसने पाली तों टिकट दे पैसे ना लए तां पाली नूं चंगा ना लगा। ओह समझदी सी कि ओह कंपनी नाल धोखा कर रहा है, पर जदों कंडक्टर ने चेकर नूं अपने कोल टिकट दिखा के कहा कि ओह बीबी मेरी भैन है, तां पाली हैरान रह गई ते सोचन लगी कि ओह 60 रुपए की तनखाह विच इह मेरा किराया किवें भरदा होवेगा अते मैं 250 रुपए की तनखाह विच भी अपना गुजारा नहीं कर सकती, कि अपनी टिकट दे पैसे भी नहीं भर सकती। गुड राइट। पाली दे मन विच किदां विचार आ रहे सन? पहला ते ओहदे मन विच बड़े चंगे विचार आ रहे सन कि मेरा बड़ा ज्यादा ख्याल रखदा है, क्योंकि जदों देखदे ना आपां कि ओहदे लई फ्रंट सीट रखदा है, है ना, ते उहनूं लगदा है कि मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखदा है, ते ओह वी बड़ा अपने आप नूं सुरक्षित महसूस करदी सी जिस दिन बस उत्ते जीत कंडक्टर हुंदा सी, ठीक है। पर एक दिन जदों उहने जदों वाली घटना वापरदी सीगी कि चक्कर आ जांदा है ना, ते उदों उहनूं डर लगदा है कि इह मैनूं वी बुरे कम्मां विच फसा रहा है, ठीक है। ते फिर बाद विच जदों उह कहिंदा है बस कंडक्टर चक्कर नूं कहिंदा है कि इह मेरी भैण है, ते अंत विच वी जदों उहनूं दसदा है कि ओह अपनी भैण दे रूप विच उहनूं देखदा है, ते उहदे मन विच बड़े चंगे विचार आउंदे हन। उहनूं लगदा है कि इह बड़ा साऊ जिहा है, ठीक है, इह बड़ा चंगा इंसान है। नैक्सट है, बस विच टिकट चैकर दे चढ़ जाण नाल पाली क्यों डर रही सी? रमनीक। यस मैम, पाली ने टिकट लई पैसे अगे कीते सन, पर जीत ने पाली तो टिकट दे पैसे नहीं ले सन। जदों चैकर बस विच चढ़ के टिकटा चैक करन लगा तां कंडक्टर वल्लों टिकट ना दित्ते जाण कारण ओह बहुत परेशान हो गई। उसनूं डर सी कि उस लई किन्नी शर्म दी गल है कि ओह उस कोलों टिकट नहीं है। ठीक है दिया। बस विच टिकट चेकर चढ़न नाल पाली डर रही सी क्योंकि पाली कोल टिकट नहीं सी,
ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਾਲੀ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਚੱਕਰ ਚੜ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? Yes, ma'am. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਜੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। Yes, ma'am. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ 60 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ? ਦੀਆ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਜੀਤ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਬੈਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਪਨਿਕਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰ ਉਲਦਾ ਖੁਲਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਮਰਜੀਤ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਰਮੀਕ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ 1947 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲਿਆ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਭੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੀਆ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਜੀਤ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜੀਤ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਮਨੀਕ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਦੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਦੈਨ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ठीक है, साऊ लिख सकते हो, बहुत ज्यादा साऊ सी, ओके ठीक है। सो हो जज्बाती सी, कल्लू कारियां दा शिकार, हमदर्द सी ते साऊ सी, रिश्तियां दी कदर करन वाला सी, ठीक है, रिश्तियां दी बहुत ज्यादा कदर करता सी। जदों बस विच भी तुसीं देखिया कि पाली नूं कई सवारियां बहुत अजीब जे तरीके नाल देखदियां हन, है ना, ते ओनू काफी ज्यादा कहंदियां हन कि मतलब कि पता नहीं किदां दी है कुड़ी, है ना, रोज ही ओनू टिकट के पैसे नहीं लैंदी, ठीक है। तो फिर ओहदे विच आपां लिख सकते हैं कि वह रिश्तियां दी कदर करन वाला है, सही दा साथ देण वाला है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए कंप्लीट, ओके। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चंस लिख लो, फर्स्ट लिख लो पाली की काम करती सी, फिर ते ही लिख लो बेटा, ठीक है, डायरेक्टली पाली की काम करती सी इन वन वर्ड। इवा यस मैम, पाली एक डॉक्टर, डॉक्टरानी सी। डॉक्टरानी या डॉक्टरनी या डॉक्टर दा काम करती सी। देन सेकंड है, पाली नू किन्नी तनखाह मिलती सी, किन्नी मिलती सी उनू तनखाह, अर्शप्रीत? पाली नू 300 रुपए तनखाह मिलती सी। ठीक है, 300 रुपए तनखाह मिलती सी। नेक्स्ट लिखो, पाली दी तब्दीली नाभा तो किथे हो गई सी, पाली दी तब्दीली नाभा तो कितों दी हो गई सी। वंशिका? मैम पटियाले। ठीक है, पटियाले दी हो गई सी उहदी बदली। नेक्स्ट है, बुढ़ी औरत ने टिकट लैण लई किन्ने रुपए कढ़े, बुढ़ी औरत ने टिकट लैण लई किन्ने रुपए कढ़े। बुढ़ी औरत ने टिकट लैण लई 10 दा नोट कढ़िया। ठीक है, और इहदे विच तुहानू नेमिंग वर्ड्स दा पता ही होणगे ना कि जिस तरह बस कंडक्टर दा की नाम सी, ठीक है, देन बस कंडक्टर दी भैन दा की नाम सी, राइट, ये सारे नेमिंग वर्ड्स लिख लियो। बस कंडक्टर दे पात्र जीत ने पाली नू किथे उतारिया, बस कंडक्टर ने पाली नू किथे उतारिया। अर्शप्रीत? बस कंडक्टर ने पाली नू हस्पताल दे कोल उतारिया। हस्पताल दे कोल, क्योंकि वो हमेशा यही करता हुंदा सी कि ओनू ज्यादा तुर के ना जाना पवे, ठीक है, इसलिए ओनू हस्पताल दे कोल ही उतार दिंदा सी। भैन का नाम अगे लिख लियो, जीत की भैन का नाम की सी, की सी गुरजाप? दिया? मैम अमरजीत। अमरजीत, ठीक है। बस कंडक्टर ने टिकट चेक करने पाली नाल केड़ा रिश्ता दसिया, बस कंडक्टर ने टिकट चेक करने, लवलीना? उसने दसिया कि पाली उसकी भैन है। ठीक है, गुड। बस कंडक्टर ने टिकट चेक करने पाली नाल केड़ा रिश्ता दसिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जीत नू किन्नी तनखाह मिलती सी। दिया? मैम 60 रुपए। 60 रुपए। नेक्स्ट, जीत दी भैन किथे डॉक्टरी करती सी, अमरजीत जो के मार चुकी सी, जीत दी भैन किथे डॉक्टरी करती सी। रमनीक? जीत दी भैन लाहौर विच डॉक्टरी करती सी। लाहौर, कन्ना पालियो, ठीक है, लानू लाहौर। नेक्स्ट, जीत दी भैन केड़े दंगियां विच मारी गई सी, जीत दी भैन केड़े
दंगियां विच मारी गई सी। लवलीना 1947 दे दंगियां विच मारी गई सी। ठीक है गुड। 1947 दे दंगियां समय नेक्स्ट लिखो जीत दा भैन प्यार इनू कॉमास लिख लियो। ठीक है जीत दा भैन प्यार किस दी बेचैनी दा सबब बन रहा सी। किस दी बेचैनी दा सबब बन रहा सी। अनिका जीत दा भैन प्यार पाली दी बेचैनी दा सबब बन रहा सी। ठीक है गुड। पाली दी बेचैनी दा सबब बन रहा सी राइट। नेक्स्ट पाली नू बस कंडक्टर किस तरह दा लगदा सी। पाली नू बस कंडक्टर किस तरह दा लगदा सी। दिया मैम साउथ दे चंगा सुभाव चंगे सुभाव वाला। साउथ दे चंगे सुभाव वाला ओके। नेक्स्ट नाबे तो पटियाले दा बस किराया किन्ना सी। नाबे पब्बा पायो विच्चे नाबे तो पटियाले दा बस किराया किन्ना सी। किन्ना सी लवलीना 10 आने। 10 अगे होर दिया मैम 10 आने। दस आने ठीक है। रमनीक मैम 10 आने। हाँ ठीक है 10 आने। नेक्स्ट नाबे दे अड्डे ते जीत केड़िया सवारियां नू बाहों फड़ फड़ के उतार रहा सी। नाबे दे अड्डे ते जीत केड़िया सवारियां नू बाहों फड़ फड़ के उतार रहा सी। किन्हां नू उतार रहा सी ओह ठीक है गुड। जिन्हां कोल टिकट नहीं सी ठीक है उन्हां नू फड़ फड़ के बाहर तो उतार रहा सी। नेक्स्ट बस विच बैठना पाली नू क्यों चंगा नहीं सी लगदा। बस विच बैठना पाली नू क्यों चंगा नहीं सी लगदा। क्यों नहीं सी चंगा लगदा उनू। दो तीन रीजन सी इहदे। लवलीना क्योंकि बस विच बैठे होर लोका तो उसनू गर्मी दे मौसम विच बदबू आंदी सी जिस कारण उसका सिर चकराउंदा सी। ठीक है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਟ ਸਿਲਵਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ बस विच बैठन तो हमेशा डरती सी। नेक्स्ट लिखो अगले दिन पाली जान बुझ के किन्ने मिंट देरी नाल गई। अगले दिन पाली जान बुझ के पनिका अगले दिन पाली जान बुझ के 5 मिनट देरी नाल गई।
5 मिनट देर नाल गई। नेक्स्ट है एक डायलॉग है कॉमर्स विच उन्हें पहले ही रख लो। मीम साहिबा तो बिना बस किवें तुर पैंदी। मेम साहिबा तो बिना बस किवें तुर पैंदी। ए शब्द किसने किसनू ते किसने कहे। यह शब्द किसने किसनू किस लई कहे। दिया शब्द बस विच सवार एक क्लर्क ने बस कंडक्टर जीत नू पाली बारे कहे। ठीक है ओ डेली आंदा जांदा सी। ठीक है रोज ओ जांदा सी ते ओ क्लर्क सी एक उन्हें पाली नू कहे पाली लई कहे ते केनू कहे जीत नू कहे। ठीक है लास्ट है लास्ट क्वेश्चन। पाली कोल डॉक्टरी बैग देख के जीत नू किसी याद आती सी। गुजार किसी याद आती सी। पाली कोल डॉक्टरी बैग देख के लवलीना अपनी भैन अमरजीत दी याद आती सी जो मर चुकी सी। ठीक है गुड। पाली कोल डॉक्टरी बैग देख के जीत नू किसी याद आती सी अपनी भैन दी जो के मर चुकी सी नाम किसी अमरजीत। ठीक है या थानू मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स विच ही क्वेश्चंस लिखाए ने। कहानी किस तरह की है मनोविज्ञानिक। ठीक है तो यह अंत किस तरह का है भावात्मक। ओके ये दो लिख लियो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हाँ मनोविज्ञानिक के भावात्मक। ठीक है क्लियर है। सो ये वाला बेटा खत्म आई थिंक थोड़ा लिटरेचर पोर्शन सारा ही हो गया राइट ग्रामर पोर्शन ही रहता है। ठीक सो इनू भी अपनी कॉपी उत्ते नोट करके और मैनू अपनी कॉपी भेजो। ठीक है अगर किसी का कोई क्वेश्चन छुट गया होए अश्मित। ठीक है जिहड़ी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर सी ना उन्हां नाल ही लगते कर लिया करो। और आपां राइटर बारे कर लिया सी है ना गुजर हो गया सी ना। ठीक है राइटर बारे आपां कर लिया सी इन्हां दीआं कहानी रचनावां माता पिता का नाम प्रॉपरली लर्न कर लियो। ठीक है